सभी से बात करते हैं किनके गांव का जो समस्या है, समस्या के बारे में सारे लोग बताएंगे। सबसे पहले तो जो हमारे बूढ़ बुजुर्ग हैं, जो दादी समान हैं, इनसे पहले बात यही कहेंगे कि हमसे क्या जल रहे हो। अरे झारखंड को जला के जा रहा है, उन लोगों पे जलो ना, उन लोगों को कहो ना, उन लोगों को ट्रोल करो ना। अगर सच में बाप के बेटे हो, अगर बाप के बेटा और बेटी हो ना, उन लोगों को लिखो, उन लोगों को कहो कि झारखंड लूट रहे हैं, हमारा हक अधिकार छीन रहे हैं। चलिए दूसरा पॉइंट आप ये बताइए, आप बताइए कि आपके गांव में जो प्रधानमंत्री के तरफ से आवास योजना जो होता है, कॉलोनी जो आप लोग गांव में कहते हैं ना, आप लोग यहां पे मिला कि नहीं मिला? अभी नहीं है मिलल, बहुत पुराना मिलल बा। अच्छा, हमने के नहीं मिला। अच्छा, तो ये कौन सा गाँव पड़ता है? चितबिसरा पड़ता है, यानी कि गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, यानी नगर प्रखंड एक पड़ता है, इस प्रखंड के अंदर में गांव पड़ता है चितबिसराव। चितबिसराव गांव में हम मौजूद हैं। यहां पे कितने लोगों का बस्ती होगा ये बताइए? तो बस्ती 400-500 होबे करते हैं। 400-500 लोगों का बस्ती है। अच्छा, यानी कि 500 लोगों का बस्ती है। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे महिला है, सभी लोग से हम पूछते हैं परापारी, आप ये बताइए कि आपके गाँव में नल जल का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं खाना भरबा हो नहीं। आपके यहाँ नल जल का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? खाना भरबा ही नहीं हो नहीं। अच्छा, पानी पीने का साधन है कि नहीं है? नहीं, पानी पीने के साधन रुका पा पर ढो के पिए दी। तो आप लोग कैसे पानी पीते हैं? ढो के पिए ली। मैंने कहाँ से चंपा कल वगैरह है यहाँ पे गड़ा हुआ जमन हाथ कल घरे के पैसा से गड़बैले पड़ा ना। अच्छा, तो ओहने से ओहने के काल में ले पिया लिया। मैंने यहाँ पे मैंने 500 लोगों का जब बस्ती है तो यहाँ पे क्या चंपा कल है बताइए? अपन अपन पैसा से धसवैले पड़ा। अच्छा। हम गरीब आदमी तो नहीं की धसवा पे। सुन लीजिए, हमारे पैदल मंत्री जी, हम यही कहना चाहते हैं कि चितबिसराव गांव में हम पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे चंपा कल का व्यवस्था नहीं है। जैसे मैं कुछ लोग बता रहे हैं कि हम लोग अपने पैसा से धसवा करके तो पानी पीते हैं, तो ढो करके लाते हैं, कुछ दूर पे है ढो करके ला करके तीन लोग पानी पीते हैं। आगे विशेष में हम इनसे बात करते हैं, ये बताएंगे कि आपके गाँव में सिलेंडर गैस मिला है कि नहीं मिला है बताइए? नहीं मिला। अच्छा, यहाँ लाओ। अच्छा, कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो होता है वो आप लोग के यहाँ पे मिला कि नहीं मिला है? उजाला योजना बहुत पुराना मिला, हमने के नहीं मिला। अच्छा, बूढ़ बुजुर्ग के पहले मिला है। मैंने आप लोग का अभी इस बार कुछ काम नहीं मिला है। अच्छा, हम पूछना चाहते हैं कि आपके गाँव में समस्या क्या क्या चीज का है ये बताइए? सब कुछ तो यहाँ दिखते बात, पानी के दिखते बा, घर रहे लहाइए नहीं है, झोपड़ी बढ़ाई में रहते है, सब तो दिखते बा, कितना बताओ। अच्छा, आप बताइए कि आपके गांव में क्या क्या चीज का कमी है? पानी के बहिन, घर के बहिन, सब चीजें के बाद दिक्कत। अच्छा, देख लीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी। हाँ, बोलिए बोलिए। अपन का अपन पैसा से धसोई रहन तो वो बोले लागलन तो पैसो देके नहीं बढ़िया से पिए देवलन। अच्छा, सुन लीजिए हम। हाँ, बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए। और सरकारी रहतक तो ऐसे पीती अपन अपन रुपया से धसोई लेबन तो उन्हें बोले लागलन। अच्छा, रउरा पेंशन मिलला कि नहीं मिलला बताऊ? हमार विकलांग के करावत करावत जी हार गेल, आज तक ले नहीं के होइल। अच्छा, पेंशन भी नहीं हुआ है? हाँ, विकलांग। हाँ, आज तक ले नहीं के होइल। अच्छा, देख लीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी, हम यही कहना चाहते हैं कि जिस गांव में हम पहुंचे हुए हैं, इस गांव में देख लू अगल पगल बन विकलांग होके वहाँ ले पानी ला ली ढो के। अच्छा, इनका दिमागो नहीं खे और न हमारे विकलांगो के नहीं के होइल। अच्छा, हाँ, और कोई समस्या बताइए आप लोग? का बताऊ, ये गरीबे दुखिया ही कैसे कमा समा के खा ले। हमन तो आओ साँझ खाती तो बिहान झकती। अच्छा, देख लीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को हम कहना चाहते हैं कि इनके साथ जो समस्या है, समस्या बहुत बड़ा लंबा है। जैसे मैं बता रहे कि हमारे यहाँ विकलांग पेंशन नहीं है, हमारे जो मालिक हैं वो थोड़ा सा दिमाग से क्रेक हैं और कुछ कर नहीं पाते थे, करने नहीं पाते हैं। और पाँच पाँच गो बाल बच्चा बड़ा पढ़ाओ नहीं पढ़ा। अच्छा, तो कोई आपको विकास सरकारी लाभ मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं, कोई नहीं मिला, खाली अथी भर मिला ला, राशन भर, राशन बस सिर्फ मिलता। हाँ, है 15 राशन सभी लोग को मिलता है यहाँ पे? नहीं मिला ला, मगर जेकर जेकर नाम बही। हाँ, जब सचाई भाई बताइए जो थी 15 मिला ला 6 के बीचे। अच्छा, देख लीजिए। हाँ, देख लीजिए हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, हम विधायक को बताना चाहते हैं कि इनके मालिक जो है थोड़ा सा दिमाग से क्रेक हैं, उन थोड़ा सा कुछ कर नहीं पाते हैं, इनको सरकारी लाभ वैसा कोई खास नहीं मिलता है। ये बता रहे कि हमारे यहाँ सिर्फ राशन मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उजाला योजना, और इनके यहाँ चंपा कल का भी कोई साधन नहीं है, इस गाँव में है ही नहीं है। कुछ लोग के पास है तो अपने पैसा से लोग कराए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी लोग हमारे वीडियो को देखेंगे, थोड़ा सा भाई साहब के लिए थोड़ा सा कम से कम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे,
ताकि यह वीडियो हमारे मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाए, ताकि इन लोग जो भी हमारे यहाँ पे लोग रहते हैं, गरीब परिवार से लोग बिलोंग करते हैं, दिन भर कमाते हैं तो खाते हैं।